Hello student, yesterday I gave you the another topic of dispersal of seeds. Okay, dispersal of seeds. So what is dispersal of seed? Dispersal of seed होता क्या है? तो dispersal of seed होता है बीजों का फैलना. ठीक है, तो the process by which the seeds are scattered away from the mother plant is called dispersal of seed. यानी वह प्रक्रिया जिसमें जो बीज हैं, ठीक है, वो मदर प्लांट से दूर चले जाते हैं, उन्हें हम डिस्पोजल ऑफ सीड या बीजों का फैलना कहते हैं. ओके, तो यहाँ देयर आर मैनी वेज इन विच सीड गेट डिस्पर्स. यहाँ बहुत कई तरीके होते हैं जिनसे बीज जो है डिस्पर्स करते हैं. ओके, तो ये है, यहाँ पे कुछ मैंने आपको एक पिक्चर के थ्रू थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ. ओके, तो मीन्स ऑफ सीड डिस्पर्स, तो यहाँ फोर मेन वेज होते हैं. ओके, तो डिस्पोजल बाई विंड, डिस्पोजल बाई वाटर, डिस्पोजल बाई एनिमल्स एंड डिस्पोजल बाई एक्सप्लोजन. ओके, तो फर्स्ट वी लर्न डिस्पोजल बाई विंड. ओके, तो इनमें से कुछ बीज ऐसे होते हैं, ठीक है, जिनमें बहुत ही लाइट वेट के होते हैं. ओके, और दीज सीड्स ऑल्सो हैव द विंग्स एंड हेयर ऑन देम. उन पर उन बीज पर बहुत ही हल्के होते हैं, उन पर विंग्स और हेयर होते हैं, जिससे क्या होता है कि जब हवा चलती है तो ये बीज अपने मदर प्लांट से दूर उड़कर चले जाते हैं. इसके लिए फॉर एग्जांपल कॉटन सीड एंड डेंडेलियन. कॉटन सीड एंड डेंडेलियन सीड्स में हेयर्स होते हैं और बहुत ही लाइट वेट में होते हैं, जो कि अपने मदर प्लांट से दूर उड़कर चले जाते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है आपका डिस्पर्सल बाई वाटर. ओके, डिस्पर्सल बाई वाटर ये क्या होता है कि सीड्स सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर फ्लोट ऑन वाटर. कुछ बीज ऐसे होते हैं जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं, वो वेट में स्पंजी होते हैं और है फाइबरस कवरिंग, यानी कि उनकी स्किन जो होती है, उनका कवरिंग जो होती है वो फाइबरस होती है. ओके, जिससे क्या होता है कि वो वाटर में के अंदर ड्रोन डाउन नहीं होते हैं, मतलब डूबते नहीं हैं, पानी के ऊपर तैर जाते हैं. ओके, तो जैसे ही ये पेड़ से गिरते हैं तो ये एक जगह से अपने मदर प्लांट से दूर फ्लोट बह के चले जाते हैं. इसके लिए फॉर एग्जांपल आपका लोटस फ्लावर एंड कोकोनट सीड, ठीक है, ये दोनों सीड ऐसे होते हैं जो वाटर पे इजीली फ्लोट ऑन कर जाते हैं, ठीक है, बह के दूर चले जाते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है आपका बाय एनिमल्स. ओके, एंड बाय एनिमल्स यानी कि एनिमल्स के द्वारा, ठीक है, डिस्पोजल बाय एनिमल्स. तो एनिमल्स के द्वारा क्या होता है कि एनिमल्स ईट फ्रूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स, ठीक है, दस स्कैटरिंग देम अवे फ्रॉम द मदर प्लांट. ओके, तो आपने देखा होगा कि बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जो कुछ फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि आपके टमाटो है, ऑरेंज है, ओके, प्लम है. तो ये क्या होता है कि जब एनिमल्स इन फ्रूट्स को खा लेते हैं तो ये इजीली एनिमल्स उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. ओके, जब इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो ये एज अ फीस्ट, ठीक है, एज अ फीस्ट या एक्सक्रेटा एज अ बाहर आते हैं, तो वो मदर प्लांट से दूर चले जाते हैं, मदर प्लांट से जो है दूर चले जाते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल टमाटो एंड ऑरेंजेस, ठीक है, इनके सीड जो है वो मदर प्लांट से दूर चले जाते हैं. नेक्स्ट आता है आपका डिस्पोजल बाय एक्सप्लोजन. डिस्पोजल बाय एक्सप्लोजन फ्रूट्स ऑफ पीज, बीन्स, लेडी फिंगर. ओके, ब्रस्ट ओपन व्हेन राइप, ठीक है, जब बीज जो हैं, कुछ पौधों के बीज जो हैं, जब फल जो होता है उसका, फ्रूट जो होता है वो पक जाता है अच्छी तरह, ठीक है, तो वो सन के, ये एक्सप्लोजन पूरी तरह से डिपेंड करता है आपका किस पे, सन पे, ठीक है, सूरज पे. सूरज की गर्मी की वजह से ये फ्रूट जब पक जाते हैं तो एक साथ एक्सप्लोजन करते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं, एक विस्फोट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो बीज होते हैं, ठीक है, अपने मदर प्लांट से दूर दूर तक फैल जाते हैं, बहुत दूरी तक जाके गिरते हैं, ठीक है. तो ये एक्सप्लोजन, डिस्पोजल बाय एक्सप्लोजन, विस्फोट के द्वारा इन बीजों का फैलना कहलाता है, ठीक है. तो इनके एग्जांपल हैं लेडी फिंगर, बीन्स, पीज, ठीक है, और चिलीज और भी मैनी अदर्स हैं. ओके, तो ये आपका डिस्पोजल ऑफ सीड्स था, जिसके बारे में मैंने आपको कल आपको टॉपिक दिया था. तो ये वैसे आपने वीडियो में देख लिया था और थोड़ी सी इसके थ्रू भी आप समझ सकते हैं. ओके.